क्या होता है? ऑरा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आभा मंडल, है ना। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे चारों तरफ, एक ऑरा, उसको हम बोलते हैं ऑरा। ऑरा हमारे बॉडी में कैसे बनता है? देखिए, ऑरा हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस से चलता है। अगर हम लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो हमारा ऑरा अच्छा होगा, बड़ा होगा। और अगर हम लोग उदास हैं, दुखी हैं, तो हमारा ऑरा भी कम होता जाएगा। ऑरा हमारा कैसे काम करता है? हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीन चीजों से काम करता है ऑरा। तो पे हमारा वो काम करता है, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी और हमारा काम करता है ऑरा, ठीक है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि हर चीज एक एनर्जी है। अगर सपोज आपके हाथ में ये एक फोन है, तो आपको ये फोन लग रहा होगा एक सॉलिड चीज है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, ये एक एनर्जी होती है। पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक एनर्जी ही है। ऑरा क्या है? ऑरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक एनर्जी है। पूरा हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग का भी अपना ऑरा होता है, लिविंग थिंग का भी अपना ऑरा होता है। जो लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनका ऑरा बड़ा होता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, परेशान हैं, उनका ऑरा छोटा होता है। बस यही इसके अंदर फर्क होता है कि एक बड़ा ऑरा होता है, एक स्मॉल ऑरा होता है। आप जिस तरीके के ऑरा के होंगे ना, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन क्या होती है? अट्रैक्शन दो लोगों के बीच में जो हमारी एनर्जी होती है, वही अट्रैक्शन होती है। जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप देखेंगे आपको उन्हीं लोगों, वही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं लोगों से आपकी आपका बातचीत होगी। जैसे अगर आप देखें, अगर आप अगर सपोज करें कि अगर आज आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होता है, एक अलग सी खुशी है। तो वो आपका आभा मंडल जब आपका अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो आप अंदर से आपके अंदर ग्लो होता है। मेकअप करना या अच्छे अच्छे ड्रेस पहनना, वो वाला नहीं बात कर रही मैं। एक इंटरनल, एक अंदरूनी खुशी जब हमारे को होती है, तो हमारे चेहरा ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। अगर हमने चाहे अपने फेस पे कुछ लगाया है या नहीं लगाया, हमने कैसे भी कपड़े पहने, हम वेरी वेरी सिंपल भी हैं, तब भी हम एक अलग भीड़ में एक अलग हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर आप अंदर से खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपका ऑरा ऐसा बनता है। और अगर आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपका ऑरा फिर डिप्रेशन में आ जाता है, लो हो जाता है। चाहे आप उसके बाद कितने भी महंगे कपड़े पहन लीजिए, कितनी भी महंगी ज्वेलरी डाल लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेंशन आपके चेहरे पे नजर आती ही है, क्योंकि आप अंदर से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, इसलिए वो जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको नजर आएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो फिजिकली, मेंटली, आप अपने दिमाग से, आप जितने ज्यादा अपने दिमाग से पॉजिटिव होंगे, आपका दिमाग पर अपना कंट्रोल होगा, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। इमोशनली भी आप जितने, आप इमोशनली यू नो प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि एक सेल्फिश इंसान, मतलब सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेने वाले अगर आप जो भी हैं, तो आपका ऑरा उसी तरीके से नजर आएगा। देखो, ऑरा हमारा पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा ऑरा बनता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप कोई भी अच्छी किताबें पढ़िए, आप कुछ भी मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, हमेशा आपको यही समझ में आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेकिन हम कैसे पॉजिटिव रहें, ये आपको कोई नहीं, ये हमें नहीं समझ आता। बस पॉजिटिव रहिए, बट हाउ, कैसे, इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे आगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव रहना तो चाहते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव रह नहीं पाते। हम, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां तक पहुंचता ही नहीं है, हम कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। तो उस चीज के ऊपर, क्योंकि इंटरनली बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारे पास्ट कर्मा से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस होती हैं। पास्ट कर्मा इन द सेंस कि इसी लाइफ में जो हमारे पीछे से जो हमारे दुख दर्द चले आ रहे होते हैं, जो हम भूल जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन उसका एक दर्द, एक निशान जो होता है, वो हमारे साथ चलता रहता है, जिसकी वजह से हम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो वो सब चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड में कितना वो होता है। माइंड में बहुत सारे हमारे माइंड के जो होते हैं ना, लेवल्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव माइंड, और ये हमारा कॉस्मिक, कॉस्मिक कनेक्शंस जो हमारे होते हैं।
लेकिन आमतौर पे लोग सिर्फ दो लेवल पर ही काम करते हैं, एक तो कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, एक सब कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, आसपास की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाती है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी हम ये हीलिंग प्रोसेस करते हैं। हीलिंग प्रोसेस करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती है, और हमारे जो चक्रास होते हैं मेन, जब वो चक्रास में हमारी पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर लेवल्स पे हम काम करने लगते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम ऑरा आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आंखों से ऑरा हम सिर्फ तभी देख सकते हैं जब हमारा कॉस्मिक कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमको सबसे ज्यादा जो मेन काम है हमारा, वो हमारा मेडिटेशन होता है। जैसे कि